Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Aradhyans Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to learn about force and pressure. This is a chapter of class 8 science and I tried to summarize this chapter in this single video. So watch it carefully. First of all, you should know what is force. We can say force is a push or a pull on an object. It's called force. A force exerted away from the body is called push. What is the mean by push? Push kya hai? A force exerted away from the body. The body se away, door, far. Yahan dekhiye, ye push kar raha hai. Ye kit jo hai isko, box ko push kar raha hai, apni body se door kar raha hai. And what is the mean of pull? A force exerted towards the body. Towards the body means jo body hai, body ki or, apne sharir ki or, khinchna, like this. So yahan par dekhiye, ye jo ek child hai, ye is box ko pull kar raha hai, apni or khinch raha hai. So push or pull is a force. Okay. An interaction of one object with another object result in a force between the two object. Force कब arise होता है? जब two object के बीच में interaction होता है. ठीक है, उनके बीच में जो interaction होगा जब किसी दो object के बीच में, उससे क्या होगा? Force produce होगा. यहाँ देखिए आप इस figure में, ये two girls हैं, they are trying to push each other. वो एक दूसरे को push कर रही हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे को पुश कर रही है, धक्का दे रही है. तो ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है. एक और एग्जांपल देखेंगे आप, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है इस काउ एंड इस मैन के बीच में. यहाँ दोनों ही दूसरे क्या कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर. सिमिलरली इन दैट सेकेंड केस, यहाँ पर ये दो जो लेडीज हैं ये भी क्या कर रही हैं, ये जो गेम खेलते हैं एक दूसरे को हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं अभी. तो जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो फोर्स होता है वहां पर. जब हम देखें नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनादर. यहाँ देखिए इस बॉक्स को टू पर्सन, ये टू बॉयज हैं, इसको पुश कर रहे हैं. डायरेक्शन किस लिए, सेम सेम डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं. तो इस केस में क्या हुआ, सपोज कीजिए कि जो एक बॉय है इसका ये फोर्स लगा रहा है F1 और दूसरे का है F2, क्योंकि फोर्सेस दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2, दोनों के जो फोर्स है वो एड हो जाएंगे. इन दैट केस व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एड कर देंगे फोर्सेस को. If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. यहाँ देखिए आप, इधर दो बॉय हैं, two boys, they are trying to push in opposite side, भी opposite direction में, ये इस direction में force लगा रहा है और ये इसके opposite direction में. तो यहाँ जो net force होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है F1 और F2 का डिफरेंस. यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कर्व्ड लाइन है, माइनस का साइन नहीं है, कर्व्ड है. इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है. जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ओवरऑल डिफरेंस को देखना है. ठीक है, वैल्यू यहाँ पर माइनस में नहीं आएगी, वो उसके डायरेक्शन को बताएगी. सपोज कीजिए कि F2 अगर F1 से ज़्यादा है, यहाँ पर ये F1 है, अगर ये मान लीजिए ये है F1 और ये है F2, अगर F2 F1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ F2 की वैल्यू ज़्यादा है और F1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो माइनस की वैल्यू आएगी वो उसके डायरेक्शन को बताएगी, यानी कि ओवरऑल बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. A force can change the state of motion. Force क्या कर सकता है, अगर कोई state of motion, यानी कि जो उसकी motion की जो state है, जिस भी motion में चल रहा है, उसमें changes कर सकता है force. Changes कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे आप.
फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई अगर रेस्ट पोजिशन में है, रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो क्या कर सकता है, उसे मूव कर सकता है, उसे उसके अंदर मोशन आ जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा. ओके, नेक्स्ट इसमें फोर्स कैन चेंज द स्पीड अप और डाउन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज द स्पीड, स्पीड को चेंज कर रहा है, या तो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है फोर्स, या फिर इसको डाउन कर सकता है. जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, तो उस पर अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, या ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी. तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है. या फिर आप मान लीजिए कोई एक बॉल है किसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में लुढ़क रही है ना, रोल कर रही है, और आप अगर उसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा देते हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो स्लो हो जाएगी या वो रुक भी सकती है. ओके, फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स उसके इस डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसके अपोजिट में इक्वल फोर्स लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी, यानी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो रुक जाएगा ना, जिस भी स्पीड से चल रहा है वो रुक जाएगी ऑब्जेक्ट. सेकंड है अ फोर्स कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन. अब फोर्स क्या कर सकता है, जो जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर, सपोज कीजिए एक बॉल है उस डायरेक्शन में लुढ़क रही है और आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इतना लगा दिया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई. ठीक है, आप खेलते हैं बैट बॉल से, एक बॉल फेंकता है फिर इधर से कोई बैट से मारता है तो वो सामने की ओर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है. या बैडमिंटन खेलते होंगे आप, तब शटल कॉक को आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको पहुंचा देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है. जैसे आपने देखा किसी क्वेश्चन पर जब हम बैठ जाते हैं तो वो क्वेश्चन पिचक जाता है, उसकी शेप कैसे होती है, चेंज हो जाती है. किसी स्पंज को आप हाथ से स्क्वीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डी शेप हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो फोर्स से क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है. नेक्स्ट देखिए हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो फोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नेक्स्ट होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स भी दो तरह का हो सकता है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब हुआ, द एक्शन ऑफ मसल्स, यानी जो हमारी बॉडी है, कोई एनिमल है या ह्यूमन है, तो उसकी जो मसल्स हैं, ठीक है, उनके एक्शन से जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम स्वॉलिंग एंड च्यूइंग, हम चीज़ों को निगलते हैं या कुछ चबाते हैं तो हमारी जो माउथ की जो मसल्स हैं वो उसमें हेल्प करती हैं. फ्लाइंग फील्ड, अगर कोई बैल या किसी और एनिमल के थ्रू आप फ्लाइंग करते हैं तो क्या होता है, वहाँ वो अपने शरीर से, अपनी बॉडी से उस पर दम लगाता है वो, यानी अपनी मसल्स का यूज़ कर रहा है. टाइपिंग, प्लेइंग, स्क्वीजिंग, किसी चीज़ को स्क्वीज करना, निचोड़ना, लिफ्टिंग उठाना, है ना, थ्रोइंग, कटिंग, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को आप कट करते हैं तो वहाँ भी क्या होते हैं, हाथों की जो मसल्स हैं वो फोर्स लगाती हैं, पुशिंग और पुलिंग. तो ये सारे मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स हैं. फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होगा, ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर हमेशा कौन सा फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा काम करता है. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है. जिस डायरेक्शन में मूव करेगी कोई ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है. ठीक है, आपने देखा कोई बॉल है, जब इसको हम मूव करते हैं तो ये एक समय के बाद अपने आप ही रुक जाती है. क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो सरफेस है, जिस सरफेस पर ही लुढ़क रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको रोक देता है एक टाइम के बाद. फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, हमेशा जो सरफेस है उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो फर्श है इसका और जो बॉल है, इनकी सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स.
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में या जिस पर भी फोर्स लग रहा है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, यानी किसी सरफेस या किसी और चीज के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स काम कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें, आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल है ना, ये बार मैग्नेट की हम बात करें, तो जब हम दो मैग्नेट के अपोजिट पोल को पास में लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक डिस्टेंस के बाद ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम इसके अपोजिट पोल, सपोज कीजिए हमने दोनों के मैग्नेट के साउथ पोल को हम पास लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ पोल को दोनों के ही बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेकर आते हैं तो क्या होंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। केवल अपोजिट फोर्स ही, अपोजिट जो पोल है वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी किसी चार्ज बॉडी के द्वारा किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज के कारण होता है। ऐसा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों। इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब हम बलून को रब करते हैं तो बलून को रब करने के बाद ये कुछ पेपर जो पीसेस होते हैं, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, उनको चिपका लेता है। रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि जब बलून है ये चार्ज हो जाता है और जिससे इन पेपर के पीसेस को ये अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा एग्जाम्पल आपने तब देखा होगा जब आप काम करते हैं, बालों में कंघी करते हैं, उसके बाद जब आप पेपर के पीसेस उसके पास लेकर जाते हैं तो ये भी इनको अट्रैक्ट करता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ ही ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करती है। जो भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी में ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सभी एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यहां पर आपको प्रेशर और फोर्स के बीच में रिलेशन भी मालूम चल जाता है। यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहा जाता है। इट मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट इज। ये फोर्स और प्रेशर में रिलेशन भी है, ठीक है। इसे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, यानी प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, क्योंकि एरिया कहां पर है? इसके डिनोमिनेटर नीचे की तरफ है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा इट मींस प्रेशर हाई होगा, ठीक है। अगर हमें प्रेशर को हाई रखना है तो सरफेस एरिया को लो करना होगा, और अगर हम प्रेशर को लो करना चाहते हैं तो हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, नेल हैव पॉइंटेड एंड टू बी इंसर्टेड इजीली इन वॉल और वुड। जो नेल का पॉइंट होता है ये पॉइंटेड होती है, इसका जो वन एंड कैसा होता है, बहुत पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होने का मतलब क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया कैसा हो गया? लो, बहुत कम हो गया, जिससे प्रेशर बहुत ज्यादा ही ज्यादा इस पर लग जाता है। नहीं, हल्का सा फोर्स लगाएंगे और जो नेल है वो इजीली वॉल या वुड में इंसर्ट हो जाती है। पॉटर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन लोड। अब जब देखिए, जब ये जो पॉटर है, अब इसको इतना लोड अपने सर पर उठाना है, तो यहाँ पर ये चाहेगा कि प्रेशर कम लगे, ये जो लोड है इसका प्रेशर कम लगे। तो प्रेशर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाना होगा। सरफेस एरिया किसका बढ़ाएंगे? यहाँ पर देखिए, इसने सर के ऊपर एक, ये क्या करता है, क्लॉथ के पीस से यानी कपड़े से एक राउंड शेप बना के उसके ऊपर ये लोड को रखता है, जिससे इसके ऊपर प्रेशर कम लगता है। शार्प नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स इजिली। इसलिए जो नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं वेजिटेबल को कट करने वाले,
इनका जो ये जो शार्प एंड इसलिए बनाया जाता है ताकि एंड इसका जो ये जो एज शार्प होगी इट मीन्स सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, बहुत इजीली वेजिटेबल्स कट जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। अगर वाटर के द्वारा प्रेशर की हम बात करें यानी लिक्विड की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो लिक्विड जब प्रेशर एग्जर्ट करता है बॉटम पर, बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, तो डिपेंड्स करता है हाइट ऑफ द कॉलम कि उसके अंदर पानी कितना भरा हुआ है कंटेनर में। अब यहाँ देखिए इस इमेज को, ये जो फर्स्ट इमेज है इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो कम है, लेकिन जो सेकेंड इमेज है इसमें वाटर लेवल इससे हाई है। जिसमें वाटर लेवल हाई है तो वहाँ क्या होगा, ये बलून जो है ज़्यादा फूल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, हाइट ऑफ द कॉलम, ये वाटर का लेवल कितना ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, अ लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, ये जिस कंटेनर के अंदर फिल्ड होता है उसकी वॉल पर भी प्रेशर लगाता है। इस इमेज को आप देखकर समझ जाएंगे, इस बॉटल की हमने साइड में एक ट्यूब लगाकर उस पर बलून को ऐड कर रखा है, फिक्स कर दिया है, और जब इसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं तो ये जो बलून है ये फूल जाता है, इनफ्लेटेड हो जाता है, इट मींस इसकी वॉल पर से भी इसमें प्रेशर लग रहा है। तो लिक्विड क्या करता है, जिस कंटेनर में भरा हुआ होता है उसकी वॉल पर प्रेशर लगाता है। लिक्विड्स एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी जो लिक्विड का जो प्रेशर रहता है वो सेम डेप्थ पर सेम रहता है, इक्वल प्रेशर रहता है। इसे हम इस इमेज से देख सकते हैं आप कि इस बॉटल में हमने सेम हाइट पर, इक्वल हाइट पर हमने जो है फॉल किए हुए हैं और यहाँ से जो वाटर निकल रहा है उनमें इक्वल प्रेशर है, तो इस बात को बताता है कि लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर द सेम डेप्थ। गैसेस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, यानी जिस कंटेनर के अंदर गैस फिल्ड होती है वो भी क्या करती है, प्रेशर को एग्जर्ट करती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये बलून है, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है इंटरनल एयर वो क्या कर दिए, बाहर की ओर प्रेशर लगा दिए, और साथ ही साथ जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है बाहर का जो प्रेशर है वो भी इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये एक राउंड शेप में बलून फूल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर को लगाती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। लास्ट टॉपिक है एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अ layer of gases that envelop around us. Atmospheric pressure क्या है, gases की एक layer है जो कि हमारे चारों ओर एक envelope के रूप में घेरे हुए है। The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. और ये जो layer थी gases की, इसके द्वारा जो pressure लग रहा है उसी को हमने क्या बोला है, atmospheric pressure. आपके कोर्स में इतना ही, ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।